नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नारायण बलि, नाग बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, यह अनुष्ठान अपने पितरों को उच्च लोकों में जाने हेतु गति मिले, इस उद्देश्य से किया जाता है। शास्त्र कहता है कि उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने वार्षिक आय का 1/10 यानी कि 1 हिस्सा, 10 में से 1 हिस्सा खर्च करे, यथाशक्ति भी खर्च किया जा सकता है। यह अनुष्ठान कौन कर सकता है? यह काम्य अनुष्ठान है, यह कोई भी कर सकता है। जिसके माता पिता जीवित है वह भी कर सकते हैं। अविवाहित भी अकेले यह अनुष्ठान कर सकते हैं। विवाहित होने पर पति पत्नी बैठकर यह अनुष्ठान करें। निषेध: स्त्रियों के लिए महावारी की अवधि में यह अनुष्ठान करना वर्जित है। स्त्री गर्भावस्था में 5वें मास के बाद यह अनुष्ठान ना करें। घर में विवाह, यज्ञोपत्ति आदि शुभ कार्य हो अथवा घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो यह अनुष्ठान 1 वर्ष तक ना करें। पद्धति: अनुष्ठान करने के लिए पुरुषों के लिए धोती, उपरना, बनियान और महिलाओं के लिए साड़ी, घाघरा आदि नए वस्त्र जिसके अंदर की काला और हरा रंग ना हो लगते हैं। ये नए वस्त्र पहन के अनुष्ठान करना चाहिए। तो उसके बाद ये वस्त्र दान करने पड़ते हैं। 3रे दिन सोने की नाग की, जो कि करीब 1.25 ग्राम की होती है, इस प्रतिमा की पूजा कर दान दिया जाता है। अनुष्ठान में लगने वाली अवधि: ये तीनों अनुष्ठान अलग अलग है। नारायण बलि, नाग बलि अनुष्ठान 3 दिन का होता है और त्रिपिंडी श्राद्ध का अनुष्ठान 1 दिन का होता है। ये तीनों अनुष्ठान करने हो तो 3 दिन में संभव है। स्वतंत्र रूप से 1 दिन का अनुष्ठान करना हो तो वैसा भी हो सकता है। नारायण बलि उद्देश्य: दुर्घटना में मृत या फिर आत्महत्या किए हुए मनुष्य का क्रियाक्रम न होने से उसका सूक्ष्म शरीर प्रेत बनकर भटकता रहता है और कुल में संतान की उत्पत्ति नहीं होने देता। उसी प्रकार वंशजों को अनेक प्रकार के कष्ट देता है। ऐसे में इनको प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए नारायण बलि करनी पड़ती है। अनुष्ठान विधि: अनुष्ठान करने का उचित समय। नारायण बलि का अनुष्ठान करने के लिए किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तथा द्वादशी उचित होती है। एकादशी को अधिवास यानी कि देवता की स्थापना कर द्वादशी को श्राद्ध करें। वर्तमान में अधिकतर लोग एक ही दिन अनुष्ठान करते हैं। संतति की प्राप्ति हेतु यह अनुष्ठान करना हो तो उस दंपत्ति को स्वयं यह अनुष्ठान करना चाहिए। यह अनुष्ठान श्रवण नक्षत्र पंचमी अथवा पुत्रदा एकादशी में से किसी एक तिथि पर करने से अधिक लाभ होता है। अनुष्ठान करने के लिए उचित स्थान: नदी के तीर जैसे पवित्र स्थान पर यह अनुष्ठान करें। पद्धति: पहला दिन प्रथम तीर्थ में स्नान कर नारायण बलि संकल्प करें। 2 कलशों पर श्री विष्णु एवं व्यवस्थित यम की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित कर उनकी षोडशोपचार पद्धति से पूजा करें। इसके बाद उन कलशों की पूर्व दिशा में कुश से एक रेखा खींचकर उस पर कुश को उत्तर दक्षिण बिछा दें और शुभ घंटा विष्णु रूपी प्रेतः यह मंत्र पढ़कर 10 बार जल छोड़े। इसके बाद दक्षिण दिशा में मुंह करके अपसभ्य यानी कि यज्ञोपति दाहिने कंधे पर रखकर विष्णु रूपी प्रेत का ध्यान करें। उन फैलाए हुए कुशों पर मधु, घी तथा तिल से युक्त 10 पिंड, काश्यप ग्रोत्र, अमुक प्रेत, विष्णु देवत यम ते पिंड कहते हुए दें। पिंडों की गंधादि से पूजा करें और उन्हें नदी या फिर जलाशय में प्रभावित कर दें। यह पहले दिन का अनुष्ठान पूरा हुआ। 2रा दिन मध्याह्न में श्री विष्णु की पूजा करें। इसके बाद 1, 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ब्राह्मणों को निमंत्रित कर एकोशिष्ट विधि से उस विष्णु रूपी प्रेत का श्राद्ध करें। यह श्राद्ध ब्राह्मणों के पाद प्रक्षालन से आरंभ होकर तृप्ति प्रश्न हे ब्राह्मणों आप लोग तृप्त हुए क्या ऐसा पूछना तक मंत्र रहित करें। श्री विष्णु, ब्रह्मा, शिव और सपरिवार यम को नाम मंत्रों से 4 पिंड दें। विष्णु रूपी प्रेत के लिए 5वां पिंड दें। पिंड पूजा कर उन्हें प्रभावित करने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। 1 ब्राह्मण को वस्त्र अलंकार, गाय और स्वर्ण दें। तो उसके बाद प्रेत को तिलांजलि देते हुए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। ब्राह्मण कुश, तिल तथा तुलसी पत्रों से युक्त जल अंजुलि में लेकर वह जल प्रेत को दें।
इसके बाद श्राद्धकर्ता स्नान कर भोजन करें। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि इस अनुष्ठान से प्रेतात्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्मृति ग्रंथों के अनुसार नारायण बलि और नाग बलि एक ही कामना की पूर्ति करते हैं, इसीलिए दोनों अनुष्ठान साथ साथ करने की प्रथा है। इसी कारण इस अनुष्ठान का संयुक्त नाम नारायण नाग बलि पड़ा। नाग बलि, पहले के किसी पूर्वज से नाग की हत्या हुई हो तो उस नाग को गति न मिलने से वह वंश में संतति के जन्म को प्रतिबंधित करता है। वह किसी अन्य प्रकार से भी वंशजों को कष्ट देता है। इस दोष के निवारण के लिए यह अनुष्ठान किया जाता है। अनुष्ठान विधि, श्री पिंडी श्राद्ध की संपूर्ण जानकारी। तीर्थस्थल पर पितरों को संबोधित कर जो श्राद्ध किया जाता है उसे त्रिपिंडी श्राद्ध कहते हैं। उद्देश्य, हमारे लिए अज्ञात सदगति को प्राप्त न हुए अथवा दुर्गति को प्राप्त तथा कुल के लोगों को कष्ट देने वाले पितरों को उनका प्रेतत्व दूर होकर सदगति मिलने के लिए, अर्थात भूमि, अंतरिक्ष अथवा आकाश तीनों स्थानों में स्थित आत्माओं को मुक्ति देने के लिए त्रिपिंडी करने की पद्धति है। श्राद्ध साधारणतः एक पितर अथवा पिता पितामह दादा पर पितामह परदादा के लिए किया जाता है, अर्थात यह तीन पीढ़ियों तक ही सीमित होता है। परंतु त्रिपिंडी श्राद्ध से उसके पूर्व की पीढ़ियों के पितरों को भी तृप्ति मिलती है। प्रत्येक परिवार में यह विधि प्रति 12 वर्ष करें। परंतु जिस परिवार में पितृ दोष अथवा पितरों द्वारा होने वाले कष्ट हो, यह विधि दोष निवारण हेतु करें। विधि के लिए उचित काल, त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये तिथियां एवं संपूर्ण पितृपक्ष उचित होता है। गुरु तथा शुक्र के अस्त होने पर या फिर गणेश उत्सव या फिर शारदीय नवरात्र की काल अवधि में यह विधि ना करें। उसी प्रकार परिवार में मंगल कार्य के उपरांत अथवा अशुभ घटना के बाद एक वर्ष तक त्रिपिंडी श्राद्ध ना करें। अत्यंत अपरिहार्य हो तो एक मंगल कार्य के बाद पुनः कुछ माह के अंतराल में दूसरा मंगल कार्य नियोजित हो तो ये दोनों के मध्यकाल में त्रिपिंडी श्राद्ध करें। विधि हेतु, उचित स्थान त्र्यंबकेश्वर, गोकर्ण, महाबलेश्वर, गरुड़ेश्वर, हरिहरेश्वर जो कि दक्षिण काशी में है, काशी यानी कि वाराणसी, ये स्थान त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए उचित है। पद्धति, प्रथम तीर्थ में स्नान कर श्राद्ध का संकल्प करें। उसके बाद महाविष्णु की एवं श्राद्ध के लिए बुलाए गए ब्राह्मणों की पूजा श्राद्ध विधि के अनुसार करें। इसके बाद जो और किटक न लगे हुए चावल तिल के आटे का एक एक पिंड बनाएं, दर्भ फैलाकर उस पर तिलोदक छिड़क कर पिंडदान करें। धर्म पिंड, पितृवंश के एवं मातृवंश के जिन मृत व्यक्तियों की उत्तर क्रिया न हुई हो, संतान न होने के कारण जिनका पिंडदान न किया गया हो अथवा जो जन्म से ही अंधे लूले हो, नेत्रहीन अपंग होने के कारण जिनका विवाह न हुआ हो इसलिए संतति रहित हो, ऐसे पितरों का पितृत्व नष्ट हो एवं उन्हें सद्गति प्राप्त हो इसलिए यव पिंड प्रदान किया जाता है। इसे धर्म पिंड की संज्ञा दी गई है। मधुर त्रयुक्त पिंड, पिंड पर चीनी, मधु एवं घी मिलाकर चढ़ाते हैं, इसे मधुर त्रय कहते हैं। इससे अंतरिक्ष में स्थित पितरों को सद्गति मिलती है। तिल पिंड, पृथ्वी पर क्षुद्र योनि में रहकर अन्यों को कष्ट देने वाले पितरों को तिल पिंड से सद्गति प्राप्त होती है। इन तीनों पिंडों पर तिलोदक अर्पित करें। उसके बाद पिंडों की पूजा कर अर्घ दें, श्री विष्णु के लिए तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें दक्षिणा के रूप में वस्त्र, पात्र, पंखा, पाद त्राण इत्यादि वस्तुएं दें। पितृ दोष हो तो माता पिता के जीवित होते हुए भी पुत्र का विधि करना क्या उचित है? श्राद्धकर्ता की कुंडली में यदि पितृ दोष हो तो दोष दूर करने के लिए माता पिता के जीवित होते हुए भी इस विधि को कर सकते हैं। विधि के समय केस मंडवाने की आवश्यकता है। श्राद्धकर्ता के पिता जीवित न हो तो उसे विधि करते समय केस मुंडवाने चाहिए। जिसके पिता जीवित है उस श्राद्धकर्ता को केस मुंडवाने की आवश्यकता नहीं है। घर का कोई सदस्य विधि कर रहा हो तब अन्य सदस्यों द्वारा पूजा इत्यादि होना उचित है।
त्रिपिंडी श्राद्ध में श्राद्धकर्ता के लिए ही असोच होता है, अन्य परिजनों के लिए नहीं। इसीलिए घर का कोई सदस्य विधि कर रहा हो तो अन्यों के लिए पूजा इत्यादि बंद करना आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर भी करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें, एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में भी डालें। अपने